बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम बांग्लादेश, कैसे हो भाइयों। मैं हूं मोहम्मद नईम और मैं हूं सज्जाद जाट को के मना छे बंदूरा। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज जो हमने वीडियो देखना है वो है नईम भाई ढाका से पद्मा ब्रिज जाते हुए एक जो रोड है उसके व्यू है। और बांग्लादेशी भाइयों का ये मानना है, बहुत से दोस्तों के कमेंट्स और हमें मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम के ऊपर कि ये रोड ऐसा है नहीं भाई कि इसको आप देखेंगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि ये बांग्लादेश है। बहुत से दोस्तों ने मतलब बोला कि यार आप इसको देखें आपको लगेगा ना, जब लोग इस रोड को देखते हैं इसका व्यू देखते हैं तो वो बोलते हैं कि यार ये कोई यूरोप कंट्री है, कोई मतलब कि अमेरिका है कैनेडा है इस तरह का ये कोई कंट्री है। तो देखने में फिर हमने सोचा कि इसको जरूर देखते हैं इस वीडियो को देखा जाए। तो गाइस ये 24 मिनट का वीडियो है दियाज व्लॉग आई थिंक जिनका ये वीडियो है, ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम इसको थोड़ा स्किप कर करके देखेंगे। 24 मिनट का बहुत लॉन्ग हो जाएगा तो हमारे साथ रहिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो तो हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन को दबा दें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और जोरे ऑलरेडी कुरिता को होने को धन्यवाद। तो चलो शुरू करो चाक। ये ढाका से निकल रहे हैं ना, काफी और स्मूथ रोड लग रहा है। गाइस ये कौन सा ब्रिज है कमेंट करके बताइएगा। नदी के ऊपर बना हुआ है। हाँ थोड़ा मैं इसको स्किप कर करके देख रहा हूँ। यहाँ से दो चार रोड हो गए। हाँ यार ये मतलब पीछे से ये ढाका से निकलते हुए हो गया ना। अभी थोड़ा सा ही निकला है वाले सेंटर वाले रोड। ये साइड पे सर्विस रोड होती है उस तरह का कुछ, बीच वाले तो फास्ट ट्रैक के लिए होंगे ना। वाओ यार ये तो अपने जैसे इधर मोटरवे है उस तरह का नहीं लग रहा, मोटरवे लेकिन बाइक्स जा रही है इसके ऊपर मोटरवे पे बाइक। हमारे जो इधर गाइस रोड है ना मोटरवे जो इस तरह के होते हैं उसके ऊपर बाइक्स ट्रैक्टर ट्रॉली मतलब कोई भी ऐसी चीजें ओल्ड कोई भी ओल्ड कार भी नहीं जाने देते, ओल्ड कार भी नहीं जाने देते उसके ऊपर। बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोटरवे है ना हमारा। बिल्कुल भाई बिल्कुल वैसा ही है। नहीं भाई वैसे ट्रैक है थ्री थ्री जैसे मोटरवे के होते हैं ना, ये टू हो जाते हैं अपनी भी मोटरवे कहीं जगह से टू ट्रैक है कहीं पे थ्री है। थ्री है बिल्कुल वैसे। रास्ते में जो रोड है ना हाँ वो ऐसे ही लिंक रोड निकल रहे हैं उसमें से। ये तो काफी खूबसूरत नजारा है यार। तो बहुत से मतलब लोग दोस्त हमें कहते थे कि बांग्लादेश में जो है मोटरवेज नहीं है, तो गाइस ये जो रोड है ये मोटरवे की तरह लग रहा है, मोटरवे की तरह लग रहा है। इस रोड का नाम क्या है कमेंट करके लाजमी बताइएगा। हमें तो यही पता है कि ढाका से पद्मा जा रहे हैं इस रोड के जरिए। वाओ थोड़ा सा आगे निकालें यहाँ से, काफी लंबा वीडियो है तो यहाँ से करते हैं इसको थोड़ा 3 मिनट से। वाओ काफी स्मूथ है और ये देखो ब्रिज ड्रोन से लिया गया है। वाले ब्रिज पे के ऊपर वो लगा हुआ है फैंस लगी है रेलिंग। ऑसम रोड है यार वाकई, लग ही नहीं रहा कि बांग्लादेश है। और ये और दोस्त सही बिल्कुल दोस्त सही बोल रहे थे हमारे कि आप भाई जब ये वीडियो मुझे मतलब बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि सज्जाद भाई आप जब ये वीडियो देखेंगे ना तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप कोई अमेरिका के रोड्स देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है। और ये देखो ना ये मोटरवे की तरह सज्जाद भाई बना भी ऊपर है यार ये मतलब
मतलब जमीन से थोड़ा ऊंचा है, देखो ना ऊपर बना है, देखो ना साइड पे जो है ना वो, लेकिन इतना ऊपर नहीं है, इतना नहीं है, मोटरवे बहुत होता है वो काफी ऊंचा होता है, मोटरवे जो बनाई जाती है हमारे इधर वो बहुत ऊंचे होते हैं, और उधर मोटरवे का ये होता है ना, नहीं भाई दोनों साइड पे जंगला लगे होते हैं कि आप कोई कहीं से जैसे ऊपर चढ़ नहीं सकता रोड के ऊपर, आपने इंटरचेंज से ही आना है, वैसे भी कोई एनिमल ना आ जाए, हाँ एनिमल्स वगैरह और एक्सीडेंट वगैरह का जो खर्चा है ना वो कम हो जाता है। ये कोई टोल प्लाजा लग रहा है ना, इंटरचेंज ऐसे होता है, हाँ टोल प्लाजा, बांग्लादेश में भी टोल चलते हैं, कहाँ नहीं चलते सही है ना वो रोड के एक्सपेंसिव, जितना जबरदस्त रोड बना हुआ, नहीं भाई ये रिक्शा जा रहा है, awesome यार। कहीं भी अभी तक जो है हमें रोड जो है वो खस्ता हालत का नजर नहीं आया, मतलब जबरदस्त है, न्यू बना हुआ है, नहीं भाई अच्छा रोड है, मेंटेन रखते होंगे ना इसको, मैं इसको थोड़ा सा इधर से काफी अच्छा लग रहा है तो इधर से चेक करते हैं। अच्छा शुरू से चार रोड ही जा रहे हैं, हाँ ये साइड पर भी कुछ बन रहा है आई थिंक, पता नहीं हम क्या बना रहे हैं, राइट साइड में चेक करो, थोड़ा सा और इसको फॉरवर्ड कर लेते हैं, वीडियो काफी लंबा है, कहां से यहां से व्यू इसका चेंज हो, यहां से करता हूं, हां वाओ, नहीं भाई वो भी रोड बन रहा है साइड में यार, साइड में ना लगा हुआ है बंगाली में कुछ लिखा बोर्ड लगे हुए थे, आई थिंक कुछ बनेगा इधर, ऐसे थाईलैंड में होता है पहले बता देते हैं बोर्ड के यहाँ पे फना बिल्डिंग वगैरह बन, तो गाइस ये राइट साइड पे भी कुछ रोड टाइप बन रहा है, तो ये कमर के मे बी रेलवे ट्रैक बिछ रहा हो, क्योंकि रोड की जरूरत है इसके साथ, मतलब इतना जबरदस्त रोड है तो एक और अलग से रोड तो मे बी के नहीं होगा, आई थिंक मेरे ख्याल में तो नहीं होगा, कमेंट करके डालिएगा बताइएगा हमें कि ये जो साइड पे कंस्ट्रक्शन जा रही है राइट साइड में रोड टाइप ही कुछ लग रहा है, लेकिन इतना खूबसूरत और जबरदस्त रोड होने के बावजूद फिर एक और ट्रैक, चार ट्रैक तो ऑलरेडी हैं यार जा रहे हैं, और वो भी जबरदस्त किस्म के नहीं भाई, स्मूथ है बिल्कुल देखो ना, और मे बी के रेलवे ट्रैक हो जहां तक मेरा ख्याल है, या फिर मेट्रो का भी हो सकता है, रेलवे ट्रैक होगा क्योंकि पद्मा के नीचे जो ब्रिज है, पद्मा वाला जो ब्रिज है उसके नीचे वाला जो ट्रैक है उस पर रेलवे ट्रैक बनना है, ऊपर जो है वो गाड़ियां गुजरेंगी व्हीकल्स, तो डेफिनेटली आई थिंक जहां तक मेरा आइडिया है इसके राइट में जो कंस्ट्रक्शन का काम जारी है ये रेलवे ट्रैक के लिए है, बिल्कुल ऐसे ही, अगर मैं करेक्ट हूं तो कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, थोड़ा सा इसको और फॉरवर्ड करते हैं, इधर से देखते हैं यार, ऑसम यार, नहीं भाई रोड कहीं से भी, अभी हमने 16 मिनट का जो है रोड देख लिया है, आपने 8-9 मिनट का ही देखा होगा अभी वीडियो, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर करके देख रहे हैं, हम दिल नहीं कर रहा वैसे फॉरवर्ड करने को, जितना प्यारा रोड है, गाइस सेम एज जैसे ये बना हुआ है ना हमारे इधर जो सी पैक बना है ना चाइना ने बनाया है, तो सेम इसी तरह का है, ठीक है रोड, लेकिन उसके ट्रैक जो है वो तीन तीन है, मतलब आपके दो दो चल रहे हैं ना, उसके तीन तीन ट्रैक चलते हैं चलेंगे, और ऐसे ही नीचे को जो लिंक रोड्स हैं वो निकलती हैं बिल्कुल, और फेंस लगी हुई है सामने में ना हमारे, हाँ ये चीज़ है कि जाली वगैरह उन्होंने लगाई हुई है साइडों के ऊपर कि कोई जानवर वगैरह जो एनिमल्स वगैरह हैं वो जो है रोड के ऊपर ना आए, तो क्योंकि बहुत फास्ट ट्रैक होते हैं तो हाथ से स्पीड लिमिट तो हर जगह पे होती है, हमारे 120 का जो है वो स्पीड लिमिट रखा गया है जी,
लेकिन 120 मैं 160 पे जा रहा था तो मुझे एक बस ने ओवरटेक किया था। नहीं कैमरे की आंख में नहीं आया होगा तुम, नहीं तो फौरन चलाना जाता। कैमरे वो सियाने है भाई, ड्राइवर है, दूर से पता लग जाता इधर कैमरा है, ठीक है उधर से हम 120 पे कर लेते हैं उसको, गाड़ी की रफ्तार जो है उसको रिड्यूस करके 120 पे ले आते हैं। मेरे साथ जा रहा था GLI पे ना, साथ मेरे एक GLI और होंडा सिविक थी, तो मतलब मैं अब 160 पे जा रहा हूँ उसके पीछे पीछे, वो भी आई थिंक 165 या 60 पे होगा। तो उसने जैसे ही ना बिल्कुल 120 पे स्पीड ले आया, मैंने कहा इसको पता नहीं क्या हो गया, जो मैंने आगे देखा कैमरा मैंने कहा यही है चलान से बचने के लिए ना 120 पे आ गया अचानक से। यार बहुत जबरदस्त रोड है यार, ना ग्रास लगा हुआ है शुरू से एंड तक, थोड़ा सा पद्मा के करीब चलते हैं। वाओ यार मुझे लगता है कि पद्मा और ये चीज है हमारे, हाँ ये चीज ऐसे ये बिल्कुल सेम रोड है, कमाल है यार जबरदस्त यार, वाकई बांग्लादेश नहीं लग रहा। लेकिन बांग्लादेश ये गाइस गाइस जो भी ये वीडियो देख रहा है बांग्लादेश के अलावा, बांग्लादेशी भाइयों को तो पता है कि बांग्लादेश की वीडियो है, लेकिन अगर आप बाहर से हमें देख रहे हैं किसी और कंट्री से, तो ये मत सोचिएगा कि हम कोई यूरोप थाईलैंड वगैरह जो है मतलब अमेरिका जो है उसको देख रहे हैं। गाइस दिस इज बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जो है वो गाइस बहुत तब्दील हो चुका है, और बांग्लादेश जो है माशाल्लाह बहुत डेवलप्ड कंट्री है, और इस तरह के रोड्स बांग्लादेश में डेफिनेटली होने चाहिए और हैं भी, और हम देख भी रहे हैं। थोड़ा सा और इसको स्किप करते हैं, एंड पे है तो पद्मा के बिल्कुल पास चलते हैं ये काम हो रहा है, हाँ ये अब कंस्ट्रक्शन चल रही है जबरदस्त यार, रेलवे ट्रैक की लग रहा है, हाँ रेलवे के लिए बना रहे होंगे। नहीं भाई क्योंकि रोड तो इतनी जबरदस्त रोड के साथ फिर से एक और ट्रैक रोड का बनाना तो जरूरत नहीं है उसकी, तो रेलवे ट्रैक है ये। हम आई थिंक के पहुंच चुके हैं इस रोड को भी आगे से, ये लिंक रोड जो है वो ये हमें लेकर जाएंगे पद्मा तक। जबरदस्त रोड है यार, थैंक यू भाईजान, आप लोग सही बोल रहे थे, जो भी मतलब मुझे मैसेजेस कमेंट्स आप लोग कर रहे थे कि वाकई कमाल का रोड है। ये जा रहा है इतनी पद्मा की तरफ, हाँ ये ड्रोन व्यू इधर से, यहाँ से आगे जो पद्मा ब्रिज है गाइस वो स्टार्ट हो जाता है, तो अभी हमें नजर नहीं आया, रिवाइंड किया है, हाँ गाड़ियां पीछे को आ रही हैं इसलिए रिवर्स, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको और स्किप करके देखता हूँ। हाँ जी ये चीज पद्मा ब्रिज, तो गाइस एक चीज ये है कि एक दोस्त ने ये बोला था कि पद्मा ये वर्ड नहीं है, इसको पोडा बोलते हैं, पोडा ब्रिज, लेकिन लिखने में जो है उसने बोला था कि पद्मा मतलब लिखा जाता है, लेकिन पढ़ने में जो है पोडा ब्रिज जो है वो पढ़ते हैं इसको, तो ये कमेंट करके बताइएगा कि करेक्ट है या मतलब, ये आपने कमेंट करके बताना है कि पोडा ब्रिज बोलते हैं या पद्मा बोलते हैं इसको। तो गाइस ये आगे से ब्रिज स्टार्ट हो गया और वीडियो भी जो है वो खत्म हो गया, तो कैसा लगा आप लोगों को, लेकिन मुझे उनसे नहीं पूछना चाहिए, तुमसे पूछना चाहिए कि नहीं भाई कैसा लगा। ऑसम यार ऑसम, बहुत जबरदस्त, और जिस भाई ने लिखा था ना कि वाकई वाकई नहीं लग रहा, बिल्कुल बिल्कुल भाईजान थैंक यू, आप नाम भूल गया मुझे, दो तीन बंदों के कमेंट्स आ रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर और इंस्टा के ऊपर, कुछ लोग फेसबुक के ऊपर मैसेज कर रहे थे,
कि आप ये वीडियो मतलब मल्टीपल लॉग्स जो है उन्होंने हमें सजेस्ट किया, तो सबके नाम जो लेना है वो मुश्किल है। मुनीर भाई भी हैं उनमें से एक बांग्लादेश ढाका से, और इमरान भाई भी हैं, तो मुझे जिन जिन के मेरे माइंड में आ रहा है एक साजिब भाई हैं, तो उसके अलावा भी काफ़ी दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि जो इस ब्रिज को देखने के लिए हमें बोल रहे थे। तो ज़बरदस्त यार, वाकई आप लोग बिल्कुल सही थे कि वाकई ये रोड कमाल का है बांग्लादेश का, और इस तरह के और रोड्स भी जो हैं वो बांग्लादेश में होने चाहिए। जिस तरह से एक प्रोग्रेसिव और आपका मतलब कंट्री है बांग्लादेश, जिस तरीके से बांग्लादेश प्रोग्रेस कर रहा है, और जबरदस्त ए वन रोड। तो यही था आज का वीडियो, रोड बहुत ज़बरदस्त ऑसम था। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर लगा कीजिएगा। तो अब लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक नए रिएक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।